जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सक्सेना और आज मेरे सामने यहां पे खड़ी है हुंडई ओरा SCNG 2021 मॉडल। भाई ये जो मेरी कार है, ये मेरी अपनी पर्सनल कार है जिसको मैंने 55,000 के करीब गाड़ी को चला चुका हूं। और आज इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको अपना रीसेंट जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करने वाला हूं। गाड़ी के अंदर ना बहुत एक सही चीज हुई है, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसा क्या काम हुआ है जो मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्ट था ही नहीं कि ये इतनी जल्दी वो पार्ट यहाँ पे खराब हो जाएगा। और इसके साथ में जैसा SCNG ये वेरिएंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये कुछ यहाँ पे मेरे को कंपनी से लग के आया था। तो मैं ना अब इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज करवाना चाहता हूँ और मैं अभी देख रहा हूँ, जिसके लिए मेरे को आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए कि कौन सा इंफोटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी के लिए रहेगा बेस्ट। मैं अपना भी होमवर्क कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ में आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो दोस्त वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस गाड़ी की। भाई ये जो कार है 1200 सीसी के इंजन में आती है, जिसकी पावर है पेट्रोल पे 83 PS की और टॉर्क है 113.8 न्यूटन मीटर का। यहीं अगर मैं CNG पे बात करूं तो 69 PS की पावर हो जाएगी और टॉर्क हो जाएगा 95.2 न्यूटन मीटर का। गाड़ी के अंदर देखो अच्छी चीज, जब मैंने 2021 में ली थी तब मेरे पास में ना डिजायर टूर ही ऑप्शन था और दूसरा ओरा था। तो ऑफ कोर्स डिजायर टूर एक कमर्शियल सेगमेंट है, मेरे को पर्सनल में चाहिए थी गाड़ी तो मैंने ओरा CNG पे ऑप्ट किया। पहली चीज अच्छी बात है मैं बताता हूँ, भाई ये गाड़ी मैंने जब से ली है तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस गाड़ी में कुछ मेजर प्रॉब्लम आ रही है या कुछ ऐसा हुआ, कुछ नहीं। बस ये गाड़ी जाती है, तेल पानी चेंज होता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस, दैट्स इट, इसके लिए गाड़ी जाती है। बस एक बार ये गाड़ी रनिंग रिपेयर पे गई थी तो थोड़ा बहुत स्टेयरिंग पे इसमें वाइब्रेशन हो रही थी, जैसे ये गाड़ी AC ऑन होता था या इसको मैं मतलब CNG पे स्विच होगी तब स्टेयरिंग पे वाइब्रेशन होती थी, बस एक बार गई है। बाकी इस गाड़ी में अभी तक कोई दिक्कत ऐसी कुछ नहीं है। अब बात करता हूँ सर्विस की। यार अभी जो रिसेंटली मैंने सर्विस करवाई, यहाँ पे इस गाड़ी की वी बेल्ट, मतलब एक वो जो इंजन वाली बेल्ट होती है ना पुली की, वो यहाँ पे चेंज हुई है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है वो बेल्ट, तो आप देख सकते हो ये वाली बेल्ट यहाँ पे इस गाड़ी की चेंज हुई है। तो अगर मैं बात करूँ ना इस बेल्ट की, ये ना कट रही थी, तो यहाँ पे पिछली बार जब मैं गया था तब भी उन्होंने कहा था कि भैया ये आप संजय सर बेल्ट चेंज करवा लेना गाड़ी की जब भी टाइम मिले, तो ये मैंने यहाँ पे करवाई। इस बेल्ट का जो खर्चा था ना टोटल, ये आया मेरे को तकरीबन 2500 रुपये के आसपास का, जिसमें ये पार्ट और लेबर दोनों कवर है। तो आप ये देख सकते हो ये बेल्ट यहाँ पे कट रही थी, राइट। तो मतलब मेरे को गाड़ी में अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि 55,000 किलोमीटर पे इसकी जो इंजन वाली बेल्ट है ना वी बेल्ट, ये चेंज हो जाएगी। और ओवरऑल जो ये सर्विस मेरी रिसेंटली हुई है, इसमें टोटल खर्चा आया है 5,478 रुपीज़ का। तो ठीक है यार, हुंडई के अंदर सर्विस में मैं बात करूँ ना, मतलब डिपेंड कर रहा है, अगर आप लोगों को पूरी प्रॉपर नॉलेज है सर्विस के बारे में तो मेरे को नहीं लगता कि कोई एडवाइज़र आपको पागल बना पाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो होती है ना चीज़ें, वैल्यू एडिड सर्विसेज हो गई, कैलिपर ग्रीसिंग हो गई, व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वो बोलेगा कि यार इसी टाइम पे होती है, इतने किलोमीटर पे होती है, तो वो सब फालतू की बातें होती हैं। अगर आपको लगती है ये बात कि आपकी गाड़ी में ये सब चीज़ों की ज़रूरत है तो आप करवाओ, वरना कोई बात नहीं। ये कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको करवाना ही है। और ये हुआ, बाकी अब मैं बात करता हूँ इसके इंफोटेनमेंट की। तो आपको मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी का दिखा ही चुका हूँ, बहुत बेसिक सा इंफोटेनमेंट है। तो दोस्त होता क्या है, अब ये जो बात मैं बताने वाला हूँ ना आपको, ये कुछ ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एक डीलर का है। मैंने मल्टीपल डीलर पे विजिट किया, सबका देखा हिसाब किताब और फाइनल कंक्लूजन आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली चीज, हुंडई ऑथराइज शोरूम में अगर आप जा रहे हो ना कोई इंफोटेनमेंट इस गाड़ी को अपग्रेड करवाने, तो भाई ब्लॉ पंक का इंफोटेनमेंट आपको वो लोग दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ब्लॉ पंक का ये मॉडल है की लार्गो 980 10.1 इंचेस का। ये मेरे को सिस्टम दिखाया गया तो जिसके अंदर इसका डब्बा था, तो मैंने उनसे बोला यार मैं ना इस सिस्टम को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ये चलने में कैसा है। तो उन्होंने बताया कि देखो अभी सर जब आप गाड़ी में सिस्टम लगवाओगे ना तो मैं आपकी गाड़ी में एक बार इसे खोल के लगा के दिखा दूंगा, आपको सही लगे तो ठीक है। तो यार पॉइंट आता है कि मैं अपनी ही गाड़ी के अंदर
खुलवाऊं उसे और फिर सिस्टम लगवाऊं और फिर मैं ये डिसाइड करूं कि मेरे को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, तो यार मैं ऐसा तो पहली बात तो भाई कर नहीं सकता ना, इतना मेरे पे फालतू का टाइम है। दूसरी चीज वो बंदा कहता है कि सर अगर ये वाला सिस्टम मैं किसी और ऑरा में लगाऊंगा ना तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा, आप एक बार शोरूम में आ जाना देख लेना। तो ये भी यार अपने लिए पॉसिबल नहीं है, टाइम की बात होती है हर किसी की, कभी बंदा फ्री है कभी बंदा नहीं है फ्री, तो बड़ा मुश्किल लगा मेरे को। अब ये सिस्टम था 24,990 रुपीज का, इसके साथ एक साल की वारंटी, और मजे की बात देखो 24,000 के सिस्टम में आपको एप्पल कारप्ले नहीं मिल रहा, सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो मिल रहा है। तो इस पे मैंने क्या करा, मैंने एक बार ब्लॉपंक की वेबसाइट खोली, तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे देख सकते हो इसका जो कॉस्ट है ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, राइट। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो जेन्युइन एसेसरीज होती है, मतलब जिसको जेन्युइन एसेसरी बता के बेचा जा रहा है डीलरशिप पे, वो एक्चुअल में कितना जेन्युइन है ये कोई नहीं जानता। अभी मैं आपको प्रूफ देता हूँ भाई, हुंडई मोबिस की वेबसाइट है, हुंडई मोबिस इन करके वेबसाइट है ये जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, इसकी वेबसाइट के हिसाब से आप देखो तो ब्लॉपंक का जो सिस्टम आता है वो यहाँ पे अलग है मॉडल। आप देख रहे हैं यहाँ पे की लार्गो 970 9 इंचेस का यहाँ पे दिखा रहा है। तो पहली चीज हुंडई ऑरा के लिए 9 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट है वो सुटेबल है, डीलरशिप में दिखाया जा रहा है 10 इंचेस का, 10.1 इंचेस का, राइट। तो एक तो ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, जब हुंडई की वेबसाइट की लार्गो 970 कह रही है तो डीलरशिप में की लार्गो 980 कैसे बेचा जा रहा है, राइट। अब आपके सामने रिजल्ट है ये, ठीक। इसके साथ जब एप्पल कारप्ले का मैंने बोला तो एप्पल कारप्ले के लिए मेरे को ना विविड ऑडियो कार का मेरे को इंफोटेनमेंट दिखाया गया, तो आप देख सकते हो इसके अंदर मेरे पास में इंफोटेनमेंट है, डब्बा नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे को कुछ नहीं पता इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या है कुछ नहीं पता, बस ये डब्बा दिखा दिया उसने, मतलब ये पूरा इंफोटेनमेंट ऐसे उठा के दे दिया कि सर ये है, और इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों है, एक साल की वारंटी है फॉर श्योर। अभी ये बंदा ही बता रहा है लेकिन मेरे को नहीं पता ना, मेरे को इसका कोई स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं पता, तो आप ये देखो एज अ कस्टमर कितना मुश्किल हो रहा है ये चीज डिसाइड करना कि जेन्युइन है या नहीं। और ये विविड जो बता रहा है, विविड ऑडियो, पहली चीज हुंडई मोबिस इन के ऊपर इसका कोई जिक्र नहीं है, ऐसा कोई इंफोटेनमेंट हुंडई के पास में है ही नहीं, राइट। और यहाँ पे विविड ऑडियो कार का मैंने वेबसाइट भी खोला, तो अगर आप वेबसाइट देखोगे इसका, मैं लिंक दोनों का जितना मैं बता रहा हूँ ना आपको सब मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप रेफर कर सकते हो। भाई ये जो विविड वेबसाइट है ये स्पीकर बनाती है, ठीक है, विविड ऑडियो स्पीकर बनाती है, और अगर मैं इंडिया में बात करूँ, इंडिया में तो इसका प्रेजेंस ही नहीं है। तो ये जो विविड ऑडियो ये सब बेचे जा रही हैं ये आ कहाँ से रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं या फर्स्ट कॉपी बन रहे हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन है ही नहीं, और ये ऑथराइज डीलरशिप में बेचा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा यही क्वेश्चन मार्क है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल क्लियर। और मैं देखो दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर में ना अगर मैं बात करूँ दिन का, मैं 100 किलोमीटर मेरा टेंटिवली रनिंग है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है ट्रैफिक को जानना, मतलब आप देखोगे किसी जगह पे ना सडनली ट्रैफिक लग जाएगा, तो आपको ना नेविगेशन की तो ज़रूरत है ही है हर सिचुएशन में, बेशक आप कितने पुराने हो आपको रास्ते पता हैं, अगर टाइम सेव करना है तो दोस्त आपको नेविगेशन चाहिए ही चाहिए। दूसरा गाड़ी के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, मेरे यहाँ पे आप पैर पे अपने पास थाई के ऊपर फ़ोन रख के बैठोगे, कभी वो गिर गया कभी कुछ हो गया, बड़ा मुश्किल है। और कल को कहीं ट्रिप पे भी जा रहे हो आप तो जो को ड्राइवर बैठा है ना आपने उस बेचारे को बिजी कर दिया हमेशा रास्ता बताने के लिए, तो वो बंदा अपना इंजॉय भी नहीं कर पाएगा। तो यार इस चक्कर में अपने को सिस्टम तो चाहिए था। अब मैंने विविड ऑडियो कार का होमवर्क कर लिया, देख लिया, यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं। मैंने हुंडई से ये भी बोला कि भाई आप ना मेरे को इसका कोटेशन दे दो, तो आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे ये उन्होंने कोटेशन दिया जिसमें शायद ये 3600 रुपये का इसका आउटर कवर है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो गाड़ी को खोलते हैं सबसे पहले, ये आप पार्ट देख रहे हैं इसका, ये जो बाहर का शेल है ना ये इसका आउटर पार्ट 3600 रुपये का है, जो कि आई गेस मैट फिनिशिंग में है, तो ये मेरे को अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो आप ये देखो इंफोटेनमेंट, अगर आप हुंडई ऑरा ले रहे हो, यार मैंने तो पहले पुरानी गाड़ी है मेरी 2021 की, लेकिन अगर आज भी कोई ले रहा है उसके पास भी यही ऑप्शन है, तो अभी कस्टमर जाए तो जाएगा। ब्लॉपंक की वेबसाइट पे मैं बात करता हूँ, ब्लॉपंक की वेबसाइट पे 980 ये जो मेरे को दिखाया गया है, ज़्यादा प्राइस में फ़र्क नहीं है डीलरशिप में और साइट पर, लेकिन दिक्कत ये है अगर मैं ब्लॉपंक से ऑर्डर करूँ तो क्वेश्चन मार्क है कि वो लगेगा कहाँ। ब्लॉपंक में साइट पे ट्रांसपेरेंसी है लेकिन मैं लगवाऊंगा कहाँ, और वो लगाने वाला टेक्नीशियन कितना स्किल्ड है वो मुझे नहीं पता,
हो सकता है वारंटी भी चली जाए गाड़ी में, और हो सकता है वो टेम्पर कर दे, कपलर टू कपलर फिटिंग ना करे, तो बड़ी दिक्कत है यार। तो यही एक चैलेंज है मेरे को अभी जो इस गाड़ी के लिए हो रहा है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे को सजेस्ट करो, हेल्प करो इस चीज में कि कौन सा बेस्ट इंफोटेनमेंट है जो मेरे को हुंडई ओरा में लगवाना चाहिए, ये बताने में। अब कुछ और मैं बात कर लेता हूँ आपसे गाड़ी के अंदर ओवरऑल माइलेज की। तो यार जो सीएनजी का सिलेंडर है ना हुंडई ओरा के अंदर, ये यहाँ पे 65 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। और आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक बारी फुल टैंक में गर्मियों के अंदर तकरीबन 8 से 8.5 किलो के आसपास गैस बहुत प्यार से डलती है, जिसमें ये 180 के करीब सिटी के अंदर चलती है। और हाईवे पे अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी हाईवे पे मतलब आप मान लो 200-210 बहुत प्यार से ये गाड़ी चलती है, राइट। और यहाँ पे अगर गर्मियाँ होती है ना तो गर्मियों में टेंटिवली यहाँ पे गैस आ जाती है 9.5 किलो के आसपास। मैंने मैक्सिमम जो डलवाई है एक दो बार ऐसा हुआ है, तो 9.5 किलो के आसपास मेरे को यहाँ पे गैस गाड़ी के अंदर मिली है सर्दियों के अंदर। और सर्दियों में रेंज बढ़ जाती है ऑफकोर्स सीएनजी के अंदर। तो यही है, और सिस्टम बात करें तो यार देख सकते हो बहुत बेसिक सा सिस्टम है। और मेरे को ना सबसे बड़ा अभी चैलेंज यहाँ पे यही है कि ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ नेविगेशन के लिए, रास्ते वास्ते देखने के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी गाड़ी के अंदर अगर मैं बात करूँ फिट एंड फिनिश की, काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन इसकी फिट एंड फिनिश है। यहाँ नीचे अगर हम बात करें तो यस, एसी गाड़ी का काफ़ी अच्छा इफेक्टिव एसी है। मेरे को बस इस गाड़ी के अंदर जो दिक्कत लगती है ना वो लगती है हुंडई ओरा की सीट। आज अगर आप देखो सीएनजी के मार्केट में, मैं बता रहा हूँ, या डिज़ायर में बैठ के देखो, बहुत अल्टीमेट आपको सीट दिखेगी। डिज़ायर की सीट काफ़ी बेहतर, काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओरा की, यार ओरा की ना देखने में दूर से आप देखोगे आपको बकेट सीट दिखेगी, बट वो एक्चुअल में बकेट सीट नहीं है, राइट। तो यही है, बाकी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग मेरे को कुछ पॉइंट्स अपने बताओ, अगर आपका अभी कुछ डाउट आ रहा है हुंडई ओरा को लेके कि कितना ये गाड़ी रिलायबल है, कैसी है, इसके लिए ना मैं यहाँ पे एक आपकी आपके लिए ना एक कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इस गाड़ी को 1,00,000 किलोमीटर तक चलाने वाला हूँ। और हम बात करेंगे इसकी सर्विस की कि भाई क्या सर्विस का कॉस्ट है, कितना है। अगर आप लोग अभी भी चाहते हो कि अभी तक मैंने जितना गाड़ी को चलाया है, एक बार आपको मैं फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इसके सर्विस शेड्यूल और इन सब के बारे में बात करूँ, तो यस आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। और आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है यार, इस चीज़ को मेरे को सपोर्ट करो, थोड़ा सजेशन दो कौन सा मेरे को इंफोटेनमेंट गाड़ी में लगवाना चाहिए, राइट। तो अब ना हम लोग लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे एक दो दिन में, वहाँ पे देखेंगे कि लोकल मार्केट में क्या हाल है, कैसे हम बढ़िया सिस्टम ले सकते हैं। मेरे को यार एक चीज़ है अभी मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ, ये करोल बाग हो गया, कपलर टू कपलर फिटिंग वाले लोग हो गए, मेरे को ना बड़ा डर लगता है इन सब चीज़ों से। आप देखो गाड़ी के अंदर आज तक मैंने कभी कोई भी आउटसाइड फिटमेंट एसेसरी यूज़ नहीं करी है, राइट। दूसरा, कितना जेन्युइन है वो चीज़, वो बंदा जो आपको बता रहा है, बहुत अनप्रोफेशनल अनऑर्गेनाइज्ड ये पूरा का पूरा मार्केट है, जो मेरे को लगता है अगर आप एक ऑथराइज्ड डीलरशिप के अंदर, वहाँ पे आपको इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल पा रहा, तो आप बाहर वाले से तो उम्मीद बिल्कुल ख़त्म ही कर दो, राइट। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे, क्या पता कुछ हमें कोई वेल ट्रस्टेड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर कुछ मिल जाए मार्केट के अंदर और अच्छा रहे, तो देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अभी तक तो मैंने सोचा है पार्ट्स में डिवाइड करने का, तो ये पहला पार्ट होगा इस चीज़ का। सेकंड पार्ट में हम लोकल मार्केट अब एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि लोकल मार्केट के अंदर इंफोटेनमेंट हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, दैट्स ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो यस इसको सब्सक्राइब करें और भी ज़्यादा लेटेस्ट फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मैं हूँ संचित सक्सेना।